सभी संगत को जय माता दी। मैं माँ दुर्गेश्वरी चौकी से भक्त पूनम। आज ये बच्चे माँ भद्रकाली और दुर्गा प्रिया की कृपा से आज ये बच्चे कढ़ाई लेके आए। भाई देख लो जलने वालों, फिर से एक बार माँ ने चमत्कार किया है। आ जाओ आपको आगे बोल साचे दरबार की। ये बच्चे आज कढ़ाई लेके आए बाबू, किस खुशी में? ये कढ़ाई कहाँ से आए बाबू? जय माता दी माँ। कहाँ से आया बच्चा? देहरादून से आया क्या माँ? अच्छा, आप देहरादून से आए हैं, सब यह है इनका परिवार। हाँ बाबू, क्या समस्या थी? माँ हम बहुत टाइम से परेशान थे, तो क्या बोलते हैं 3-4 साल से, तो क्या बोलते हैं अब यहाँ आकर माँ के दरबार में हमारा संकट हमारा कट गया और आज तक हम कढ़ाई लाए हैं। अच्छा, इसी खुशी में? हाँ भाई, तू बहुत परेशान होके आया था, तेरा बेटा इकलौता ये नहीं है, बहुत दुख में आया था ये बच्चा, और अब ये बहुत जगह धक्के खा लिया, बहुत कुछ कर लिया। क्या क्या किया था बाबू? माँ बस तेरा बच्चा है ये। हाँ, हमारा नहीं, माँ तेरा है, बस हमारे बच्चे को सह रहा था। ये बच्चा जो है ये बहुत परेशान था बहुत सालों से। माँ ने जब ये बच्चा इस जगह इस दरबार में माँ की शरण में आया था, ये बहुत ही दुख में बहुत दर्द में था, लेकिन माँ दुर्गे भवानी ने इस बच्चे का जिस तरह संकट काटा, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। और ये इसी खुशी में देखो कढ़ाई लेके आए हैं, तो लगाइए जयकारा माँ भद्रकाली का। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा कुरुक्षेत्र धाम का। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा गुरु मांजलि का। बोल साचे दरबार की जय। चलो, जिस तरह माँ ने आप लोगों के संकट काटे हैं, ऐसी माँ सभी संगत के सभी बच्चे जो दरबार से जो देश विदेश से बच्चे जुड़े हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस ऐसे ही माँ चमत्कार करती रहे, सबके संकट काटती रहे और ऐसे ही माँ की कढ़ाइयाँ चढ़ती रहे, जलने वाले जलते रहे, मरते रहे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और भौंकते रहे जिस तरह वो भौंक रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लेकिन माँ की चढ़ाइयाँ ऐसी झंडे लहराते रहेंगे। बहुत साँचे दरबार।